हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो लड़की आपको पटाना चाहती है वो हमेशा ये काम करने की कोशिश करेंगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। हेलो गाइस, अगर आप ब्लॉग व्यू देख रहे हैं तो प्लीज मेरे ब्लॉग चैनल भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, दुनिया में ना हर इंसान का ना प्यार को जताने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मोस्टली लड़के जो किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं तो अपने प्यार को दिखाने के लिए वो तारीफ करना शुरू कर देते हैं, गिफ्ट या सरप्राइज की मदद लेते हैं कि किसी भी तरीके से लड़की इंप्रेस हो जाए और उनको पसंद करने लगे। पर एक लड़की अगर आपको इंप्रेस करना चाहती है तो वो कौन कौन से काम करने लगती है, कौन से काम करने की कोशिश करती है, इस बात को अक्सर लड़के नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको उन्हीं कामों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहला काम पता है क्या है कि वो आपके सामने ना सेंटर पॉइंट बनने की कोशिश करेंगी। ठीक है, कि आपका फोकस उस पर जरूर जाए, आप कहीं ना कहीं वो आपके सामने आपके बीच में होने पर केंद्र बनने की कोशिश करेगी। इसके लिए जैसे कि वो जोर जोर से बातें करने लगे, ठीक है, या फिर जोर से स्माइल आपको पास करे, यानी कि हंसे जोर से, ठीक है, आपको देखकर कुछ ना कुछ वो आपके सामने जानबूझकर कुछ ना कुछ चीजें गिरा देती है, ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ खींचने के लिए, मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जब वो कुछ ऐसे काम करने लगती है जिससे आप उसको जरूर नोटिस करते हो। अगर वो आपके आसपास होती है तो आपकी नजर उस पर जरूर जाती है, आप उसको जरूर देखते हो, ठीक है। तो इस बात से आप पता कर सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है, मीन्स कि वो ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड है, वो चाहती है कि आप उसको अप्रोच करो, ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हो। दूसरा काम है कि जब वो अपने मोस्टली कामों के लिए आप पर डिपेंड होने लगे कि उसे आपसे ही हेल्प लेनी है, आपसे ही कोई काम करवाना है, ऐसा नहीं है कि उसके पास और ऑप्शन नहीं है या फिर और सभी लड़के उसके काम को करने से मना कर देते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपसे मदद इसलिए लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके टच में रहने की कोशिश करती है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से आपके साथ रहे, ठीक है, आपसे उसे बातें करने का मौका मिले। तो जब लड़की इस तरह के कोई काम करने लगे जिससे आपको लगता है कि वो बार बार आपके पास आती है, ठीक है, बार बार बात करने की कोशिश करती है, तो मीन्स कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो किसी न किसी तरीके से बस आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला काम ये भी है कि वो किसी न किसी तरीके से आपको इंप्रेस करने की कोशिश करने लगेंगे। देखो, लड़कियों को इंप्रेस करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। मोस्टली जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो होता है उसको कॉम्प्लीमेंट देना, उसकी तारीफ करना, और अक्सर लड़के तारीफ करते भी हैं, ठीक है। तो जब लड़की आपको इंप्रेस करना चाहती है ना तो वो भी यही काम करना शुरू कर देती है, आपको अप्रिशिएट करना, ठीक है, आपके किसी काम की तारीफ करने लगना, ठीक है, आपको किसी न किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपको इंप्रेस करना चाहती है, मीन्स कि वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप उसको अप्रोच करो, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। इसके अलावा अगर एक लड़की आपको पटाना चाहती है, पटाना मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, तो आपसे बात करते टाइम जो है ना वो आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट फील कराएगी, ठीक है, वो ऐसी कोई भी बात नहीं करेगी जिससे आपको हर्ट हो या आपका दिल दुखे, वो हमेशा आपके फेवर में ही बात करेगी, वही बातें करेगी जो आपको अच्छी लगती हैं, जिस टॉपिक पे आपको बात करना है वो उस टॉपिक पे बात करेगी और आपके मूड के हिसाब से बात करेगी। तो इससे आप पता कर सकते हो कि अब लड़की आपको इंप्रेस करना चाहती है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।